हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 14 अप्रैल 2018 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू और पीआईबी की इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो आज का आर्टिकल है वो है माँ प्रोग्राम के बारे में, मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन प्रोग्राम के बारे में। तो ये जो प्रोग्राम है माँ प्रोग्राम, ये एक्चुअली हमारे देश में हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा एक इनिशिएटिव के तौर पर स्टार्ट किया गया है। इसमें ये प्रावधान किया गया है ताकि जो हमारे देश की ब्रेस्ट फीडिंग है, जो स्तनपान किया जाता है, उसको प्रमोट किया जा सके। क्योंकि देखो, होता क्या कई बार कि जो रूरल एरिया में वुमेन को पता नहीं होता कि ब्रेस्ट फीडिंग के लिए क्या प्रोसीजर होती है, क्या मतलब टाइम वगैरह का काफ़ी सारी दिक्कत का सामना होता है, उन करना पड़ता है। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट के द्वारा एक तरीके से अवेयरनेस को प्रमोट करने के लिए, इसके साथ ही ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करने के लिए आपस में उनको काउंसलिंग वगैरह वो दी जाएगी रूरल एरिया में। इसके साथ ही उनको स्किल वगैरह भी दी जाएंगी कि किस तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह वो करवानी होती है बच्चे को। इसका ऑल ओवर फायदा ये होगा कि एक तो बच्चे की जो हेल्थ है उसको सिक्योर किया जा सकेगा, और इसके साथ ही इसमें जो आशा वर्कर्स होती हैं रूरल एरिया में, जो प्राइमरी हेल्थ केयर पर होती है, उनकी भी हेल्प है वो ली जाएगी। तो ये ध्यान रखना कि माँ प्रोग्राम है वो हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा चलाया गया ताकि चाइल्ड हेल्थ है उसकी उसको सिक्योर है वो किया जा सके। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया हुआ है पोस्को ई बॉक्स के बारे में। तो पोस्को क्या है इसे हम देख लेते हैं। देखो, पोस्को हमारे इसमें एक्ट है, सबसे पहले तो उसे देखते हैं, जो कि 2012 में आया था। पोस्को का मतलब है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। 2012 में गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया था। इसका मेन प्रावधान ये था ताकि हमारे देश में 0 से 18 साल तक के जो बच्चे हैं, मतलब 18 साल से पहले तक के जो बच्चे होते हैं, उनकी एक्चुअली अगर उनके खिलाफ कोई भी सेक्सुअल ऑफेंस या सेक्सुअल क्राइम होता है तो उससे उनसे निपटा जा सके, मतलब उनको सिक्योर करने के लिए, ऐसा नहीं हो कि उनको शोषण वगैरह किया जा सके। मतलब एक तरीके से सेक्सुअल असल्ट वगैरह किए जाते हैं कई बार बच्चों के साथ, या फिर उनको सेक्सुअल तरीके से अगर हरासमेंट किया जा रहा है, या फिर उनको चाइल्ड पोर्नोग्राफी फोकस किया जा रहा है उनके साथ, तो उस कंडीशन में यह जो राइट है यह उनकी प्रोटेक्शन है वो करता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अभी पोस्को ई बुक्स का है वो हम ये देख लेते हैं। पोस्को ई बुक्स है वो एक ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट पोर्टल है, सिस्टम है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है। इसका देखो मेन फायदा होगा कि बच्चे वगैरह हैं जो भी अपने बारे में उनको अगर कंप्लेन करनी है कि भाई उनका सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है, उनको मेंटली मतलब एक तरीके से हरास किया जा रहा है, या फिर उनको चाइल्ड पोर्नोग्राफी में धकेला जा रहा है, तो उस कंडीशन में वो यहाँ पे इस ऑनलाइन पोर्टल पर जाके कंप्लेन है वो दर्ज करवा सकते हैं। तो अभी जो कंटेक्स्ट है वो ये है कि जो एनसीईआरटी है उसने ये प्रावधान किया है कि जो 6 से 6 क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की जो बुक्स हैं इनके फ्रंट पेज और लास्ट पेज में पोस्को के बारे में पूरी प्रोसेस दी जाएगी कि बच्चे कैसे कंप्लेन वगैरह कर सकते हैं। इससे देखो फायदा क्या होगा, इसका फायदा सीधा सीधा ये होगा कि बच्चों को कई बार क्या होता है पता नहीं होता है कि यार उन्हें कंप्लेन कैसे करनी है, उस कंडीशन में वो इधर उधर किसी को पूछ भी नहीं पाते हैं, ना उनको प्रॉपर गाइडेंस मिलता है। तो अब गवर्नमेंट ये प्रावधान करेगी कि भाई बुक के अंदर ही लास्ट पेज पर उनको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि अगर आपके साथ कोई भी कुछ ऐसा केसेज हो रहा है तो उस कंडीशन में आप ऐसे ऐसे कंप्लेन वगैरह वो दर्ज करवा सकते हो। तो इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा एक अच्छा इनिशिएटिव है वो लिया गया है, तो ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला जो आर्टिकल आया हुआ है कोलबेड मीथेन के बारे में। तो कोलबेड मीथेन है ये एक्चुअली एक मीथेन का एक टाइप है, तो हमें ध्यान रखना है। CH4 आपको पता है मीथेन होती है, जो कि मेनली काफ़ी ज्वलनशील गैस है वो होती है, तो उसके बारे में यह आर्टिकल आया। तो इसके बारे में कुछ बेसिक 2-3 इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखो, जो मीथेन होती है ना वो एक्चुअली काफ़ी अलग अलग फॉर्म में पाई जाती है, मतलब उसकी अलग अलग वेराइटीज़ होती हैं। तो जो कोलबेड मीथेन, इसका मतलब ये है कि कोयले की जो माइंस होती है ना, उन माइंस के बीच में जगह जगह कोयले के बीच में ये मीथेन है वो पाई जाती है, इसलिए इसको कोलबेड मीथेन है वो बोला जाता है। मतलब कोयले की से बेड हो गई, ये कोयला हो गया यहाँ पे जगह जगह, तो इस कोयले के बीच में जो जगह है ना, ये बीच में दरार जैसी होगी, यहाँ पे जो मीथेन पाई जाती है उसको कहते हैं कोलबेड मीथेन। ये एक्चुअली क्लीनेस्ट बर्निंग फॉसिल फ्यूल होती है। फॉसिल फ्यूल तो ऑब्वियसली होगा क्योंकि जो फॉसिल्स होते हैं उनके द्वारा ये फ्यूल है वो जनरेट होता है, तो ये फॉसिल फ्यूल हो गया। इसके साथ ही इसमें जो कार्बन की एमिशन होता है वो काफ़ी कम होता है कंपेयर टू जो LPG या LNG गैस होती हैं उनके मुकाबले। इसका एक प्रॉपर्टीज ये होती है कि इसको स्वीट गैस के नाम से भी जाना जाता है। स्वीट गैस देखो वो गैसेज होती हैं जो एक्चुअली हाइड्रोजन सल्फाइड का उत्सर्जन है वो बहुत कम करती है, मतलब उनमें हाइड्रोजन सल्फाइड की मात्रा वो ना के बराबर होती है, और हाइड्रोजन सल्फाइड है वो एक्चुअली पोल्यूशन फैलाने के लिए अहम होता है अगर, तो ये कम है, इसका मतलब क्या है कि वो गैस ज्यादा खतरनाक नहीं है, तो इसलिए इसको स्वीट गैस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, UPSC इसके बारे में पूछ सकती है स्वीट गैस या मतलब मीथेन वगैरह के बारे में, तो हमें इसके बारे में कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है ग्राम स्वराज अभियान के बारे में। देखो, कंटेक्स्ट ये है कि हरियाणा गवर्नमेंट ने अभी ग्राम स्वराज अभियान है वो स्टार्ट किया है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उनकी जन्मतिथि थी इसी मौके ऊपर। तो कंटेक्स्ट कुछ इतना खास नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है कि ग्राम स्वराज अभियान है वो है क्या। देखो, ग्राम स्वराज अभियान है उसका मेन प्रावधान ये है हमारे देश में, ताकि जो भी गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम वगैरह लेके आई गई है ना, देखो गवर्नमेंट आपको पता है बहुत सी स्कीम लेके आती है डेवलपमेंट के लिए,
अब ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट सभी स्कीम सबको सब घर में जा जाके एक साथ होते हैं, तो इसीलिए क्या किया जाता है, ये ग्राम स्वराज अभियान में एक तरीके से ग्रुप बना के सबका साथ सबका गांव और सबका विकास, मतलब सब लोग एक साथ मिलके आएंगे, सब गांव के लोग हैं वो आपस में आके एक तरीके से जो सोशल हारमोनी है इसको आगे लेके बढ़ेंगे, इसके साथ लोगों को अवेयर करेंगे और जो गरीब लोग हैं उनको जो भी इनिशिएटिव गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए उन इनिशिएटिव को प्रमोट करेंगे, मतलब सब लोगों के डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे और जो भी सोशल वेलफेयर के प्रोग्राम्स हैं जो भी कल्याणकारी कार्यक्रम हैं उनको आगे बढ़ावा वो देंगे। अब इसके तहत ये और प्रावधान किया गया है, देखो गवर्नमेंट की जैसे कुछ स्कीम्स हैं जैसे कि उज्ज्वला योजना हुई या सौभाग्य योजना ले सकते हो, उज्जाला स्कीम है, प्रधानमंत्री जनधन योजना है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा है, तो इस तरीके की जो गवर्नमेंट की स्कीम है ना इन सब स्कीम को यहाँ पे वापस एक तरीके से अवेयर करवाया जाएगा लोगों को, ताकि जिन जरूरतमंद लोगों को इन स्कीमों की जरूरत है वो इनका फायदा उठा सके। तो ऑल ओवर इसका फायदा ये होगा कि जो हमारी सोसाइटी में जो लोअर तबके के जो लोग हैं जिनको इन स्कीम के बारे में पता नहीं है या फिर वो काफी प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं तो वो इन चीज के बारे में जानेंगे और वो इन स्कीम का फायदा उठा सकेंगे। तो ये इस स्कीम के बारे में है ग्राम स्वराज अभियान, ताकि गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं मेन मेन उन स्कीम के बारे में लोगों को अवेयर किया जा सके और वो उनका फायदा है वो उठा सकें। तो ये इसके बारे में कंटेक्स्ट था। आगे जो एक आर्टिकल हुआ है हुगली रिवर के बारे में, तो इसके बारे में हमारे लिए मैपिंग है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपको बेसिक थोड़ा एक पॉइंट बता दूं कि हुगली रिवर है वो एक्चुअली गंगा रिवर, आपको पता है कि सॉरी गंगा रिवर है जब पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है तो उसके बाद दो भागों में बढ़ जाती है, एक शाखा है वो चली जाती है वेस्ट बंगाल में और दूसरी चली जाती है बांग्लादेश में, तो इस तरह के दो भागों में जो बढ़ जाती है, तो जो बांग्लादेश में चली जाती है उसको एक्चुअली पद्मा नाम से जाना जाता है और फिर जो मतलब वेस्ट बंगाल में ही रहती है या वेस्ट बंगाल से होते हुए थ्रू जाती है आगे देव बंगाल में उसको एक्चुअली हुगली रिवर के नाम से जाना जाता है। तो उसके बारे में कुछ हमें थोड़ा पता होना चाहिए, तो इसका जो मैप है वो हम यहाँ पे एक बार देख लेंगे। इसके साथ ही अगली जो न्यूज़ है वो आई है आर्टिफिशियल रेन के बारे में। देखो इसमें यूपीएससी एक तो ये पूछ सकती है कि आर्टिफिशियल रेन में जो कौन से एक्चुअली जो एक कौन से क्रिस्टल वगैरह कौन सा एलिमेंट वगैरह यूज़ है वो होता है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि जो आर्टिफिशियल रेन वगैरह की जाती है उसमें सिल्वर आयोडाइड है उसकी हेल्प से आइसल क्रिस्टल बनाने को प्रमोट हो क्या जाता है। अब एक बार प्रोसीजर देख लेते हैं कि किस तरीके से आर्टिफिशियल रेन वो की जाती है। देखो सबसे पहले क्या होता है कि हमारे वातावरण में जो क्लाउड होते हैं ना उनमें ये देखा जाता है कि कौन से क्लाउड हैं जिनमें एक्चुअली जो ह्यूमिडिटी है मतलब उनमें मॉइस्चर है, नमी वाले जो बादल होते हैं ना उन बादलों के ऊपर क्या किया जाता है विमान की सहायता से या फिर ड्रोन की सहायता से वहाँ पे सिल्वर आयोडाइड है उसका छिड़काव कर दिया जाता है। अब जैसे ये बादल है और यहाँ पे सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव है वो कर दिया जगह जगह पे, एक सेकंड, तो अगर यहाँ पे छिड़काव कर दिया गया है तो उस कंडीशन में होगा क्या कि सिल्वर आयोडाइड की ये प्रॉपर्टीज होती है कि ह्यूमिडिटी को क्या एब्जॉर्ब कर लेती है, तो क्या होगी ये ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब करेगी तो ऑब्वियसली भारी हो जाएगी, तो भारी हो जाएगी तो पानी की बूंद में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर आपको पता है जब पानी की बूंद बन जाएगी तो ऑब्वियसली हैवी होने के कारण क्या नीचे आएगी और ये बारिश की फॉर्म में नीचे आ जाएगी, तो ये इसकी प्रोसीजर होती है। तो हमें पता होना चाहिए कि सिल्वर आयोडाइड है उसका यूज़ है वो आर्टिफिशियल रेन में किया जाता है। आज के लिए काफ़ी न्यूज़ में रहता है तो हमने इसे यहाँ पे डिस्कस किया। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है IMT हाईवे के बारे में, इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे के बारे में है आर्टिकल है। देखो हमारे देश में गवर्नमेंट ने लुक ईस्ट पॉलिसी इसी के साथ एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वो लेके आई थी गवर्नमेंट, क्यों लेके आई थी क्योंकि हमारे देश का जो ईस्टर्न एरिया है उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ था स्टार्टिंग से ही, उसको काफ़ी अलग तक रखा गया था जब अंग्रेज लोग थे तो उन्होंने भी नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया था उसका केवल वही फायदा उठाया जहाँ पे उनको उसका बेनिफिट मिल रहा था, इसके अलावा उन्होंने वहाँ पर डेवलपमेंट का कोई भी काम है वो नहीं किया था, तो इसीलिए अब गवर्नमेंट को पता चला कि भाई उस वाले एरिया में काफ़ी रिसोर्सेज हैं और हमारे देश के लिए काफ़ी अहम हो जाता है क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है वो हमारा अहम पार्ट है, इसलिए गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना उस एरिया का डेवलपमेंट है वो किया जाए। अब देखो डेवलपमेंट तो करना है बट आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है वो हमारे देश के मेन एरिया से थोड़ा कटा हुआ सा है क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सकड़ा रास्ता है जिसे हम चिकन कॉरिडोर के नाम से जानते हैं, उस रास्ते से हमें वहाँ जाना होता है और उस वाले एरिया में भी क्या है कि पहाड़ी एरिया काफ़ी डिफिकल्ट एरिया है तो उसकी वजह से क्या है कि वहाँ पर जाने में बहुत दिक्कत होती है, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना जो नॉर्थ ईस्ट के जो पड़ोसी देश हैं उस वाले एरिया में जैसे कि म्यांमार हुआ थाईलैंड हुआ जो और कंट्रीज हैं वहाँ पे उन कंट्रीज की हेल्प लेके वहाँ पे डेवलपमेंट है वो किया जाए ताकि हमारे जो रिलेशन हो पड़ोसी देशों के साथ भी इंप्रूव हो और जो ईस्टर्न जो कंट्रीज हैं साउथ ईस्ट की जो कंट्रीज हैं उनके साथ भी हमारे रिलेशन है वो इंप्रूव किया जा सके। तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या किया गवर्नमेंट ने इंडिया म्यांमार और थाईलैंड जो हाईवे है इसकी तरफ फोकस किया ताकि उस वाले एरिया में डेवलपमेंट किया जाए। अब ये जो हाईवे है ये एक्चुअली मणिपुर में एक मोहरे जगह है वहाँ से लेके और थाईलैंड में एक जगह है उसका नाम है सहोत सहसोत सॉरी
थाईलैंड में जो सैसो जगह है वहां तक जाएगा, जिसकी लेंथ अप्रोक्सीमेट 1000 किलोमीटर के आसपास है। अब बात यह है कि इस हाईवे को लेकर कंटेक्स्ट अभी यह है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ना उसको एक्चुअली इसका जो काम करने का मतलब मौका इस काम करने का जो तरीके से आप बोल सकते हो टेंडर है वो मिला है, और ऐसा पहली बार हुआ है कि जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसको किसी इंटरनेशनल हाईवे को डेवलप करने के लिए एक तरीके से मतलब सपोर्ट है या मौका है वो दिया गया। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो इस हाईवे का निर्माण है वो कर रहा है, और इसके जो फंड दिया गया है इंडिया की तरफ से वो दिया गया है इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूज मत होना कि यार रोड है तो ऑब्वियसली रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री होगी, नहीं नहीं यहाँ पे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा ये प्रावधान नहीं किया गया। तो ये कुछ इसके बारे में बेसिक चीज़ है वो हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब बात आती है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, यह आपको पता है एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। तो ये चीज़ काम क्या है इसका, इसका काम ये है कि हमारे देश में जो भी नेशनल हाईवे हैं उनका एक्चुअली ध्यान करना, उनका रखरखाव करना, उनको बिल्ड करना, उनके बारे में मेंटेनेंस वगैरह का जो भी सारा काम है वो इसके द्वारा ही किया जाता है NHAI के द्वारा। तो ये कुछ इसके बारे में जो न्यूज़ थी। अगला एक छोटा सा आर्टिकल है वो है नासा के बारे में। नासा का एक मिशन है टेस्ट मिशन, TESS। टेस्ट का मतलब है ट्रांजिस्टिंग एक्सप्लोरेट सर्वे सैटेलाइट। तो ये चीज ध्यान रखने में कि ट्रांजिटिंग एक्सप्लोनेट सॉरी एक्सोप्लेनेट सर्वे सैटेलाइट, ये सैटेलाइट एक्चुअली काम क्या करेगा, इसका मेन ये प्रावधान किया गया है ताकि जो हमारे अर्थ के अलावा भी कोई ऐसा एरिया है ब्रह्मांड में जहाँ पे एक्चुअली मतलब जीवन की संभावना है तो उस वाले प्लेनेट को खोजा सके, मतलब अर्थ की तरह का कोई और प्लेनेट है उसको डिस्कवर करने के लिए नासा इस मिशन को लॉन्च है वो कर रहा है। तो ध्यान रखना कि TESS मिशन है वो है क्या, UPSC इसके बारे में बेसिक पूछ सकती है, थोड़ा हमें ध्यान रखना है। अगला है यहाँ पे एक पॉइंट है वो हम देख लेते हैं, कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिस्ट ट्रांसपोर्ट हाईवे के बारे में। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं देखो इसलिए है, न्यूज़ में तो नहीं था बट अभी जब हम डिस्कस कर रहे हैं इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे तो उसके साथ ही हम इसे डिस्कस कर लेते हैं ताकि इसके बारे में कोई कन्फ्यूजन ना हो। देखो कालादान मल्टी मॉडल जो ट्रांजिस्ट प्रोजेक्ट है यह मेनली एक्चुअली इंडिया को म्यांमार से कनेक्ट कर रहा है और इसके साथ नॉर्थ ईस्ट के एरिया को कनेक्ट कर रहा है। तो इनको थोड़ा मैपिंग से हम देख लेते हैं कि कैसे कैसे इसमें क्या क्या है। यह है कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। देखो यह इंडिया का जो कोलकाता है ना वहाँ से लेके पहले हुगली रिवर के थ्रू जाएगा बेहो बंगाल में, फिर वहाँ से सी रूट के होते हुए यह जाएगा म्यांमार का एक पोर्ट है सेतवे पोर्ट, वहाँ तक जाएगा। अब सेतवे जो पोर्ट है इस पोर्ट के बाद में यह है लैंड के रास्ते से होता हुआ जो मिजोरम है उस वाली में जाएगा, मतलब इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है मिजोरम वहाँ पर कनेक्टिविटी दी जाएगी। तो इसमें प्रावधान किया गया ताकि इंडिया का जो मेन लैंड है उसको मिजोरम से कनेक्ट किया जा सके। कालादान मल्टी मॉडल है उसमें ये ध्यान रखना है कि वेस्ट बंगाल को कनेक्ट किया गया है मेनली मिजोरम के साथ, इसमें सी रूट भी है और इसमें साथ इसमें जो रोड रूट है वो भी यहाँ पे इंक्लूड है और इसमें म्यांमार भी है ध्यान, इसमें थाईलैंड वगैरह यहाँ पे इंक्लूड है वो नहीं है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी, इसमें मेनली बांग्लादेश को बाईपास किया गया क्योंकि बांग्लादेश आपको पता है काफ़ी बार टांगे अड़ाता रहता है, इसलिए ये इसमें ध्यान रखना कि कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है वो है क्या। अब हम आगे देख लेते हैं यहाँ पे इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे के बारे में। तो देखो ये है इंडिया का मैप, तो इंडिया में मणिपुर में यहाँ पे मोरे जगह है यहाँ की म्यांमार सॉरी मणिपुर में, यहाँ से लेके एक्चुअली हाईवे जाएगा यहाँ से म्यांमार से होते हुए थाईलैंड में, थाईलैंड में जगह का नाम है मैसूर, तो वहाँ तक एक कनेक्टिविटी वो प्रोवाइड करेगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है और इंडिया के जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वो इसको डेवलप है वो करने वाली है, फंड किसने दिया है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने, तो वो चीज़ हमने यहाँ पे देखी। अब आगे हम देखते हैं हुगली रिवर का मैप है वो, देखो ये है गंगा रिवर आप देख सकते हो यहाँ पे, ये यहाँ पे गंगा रिवर है इधर और ये यहाँ पे इसमें यमुना के यहाँ पे मिल जाती है, इसके बाद में यहाँ पे वाराणसी से होते हुए बाद में इसमें इधर और गंडक रिवर वो मिल जाती है, यहाँ पे घाघरा रिवर मिल जाती है और ये इसकी सोन है। सोन रिवर आप बताइए कमेंट बॉक्स में कहाँ से निकलती है, सोन रिवर का जो ओरिजिन है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये यहाँ पे कोसी रिवर है और कोसी रिवर भी बताइए आप कहाँ से निकलती है। अब देखो क्या होता है जो ही ये यहाँ पे वेस्ट बंगाल में एंट्री कर रही है इस वाले एरिया में, इसके बाद ये दो भागों में डिवाइड होती है, एक भाग इसका चला जाता है बांग्लादेश में और एक इसका इंडिया की में ही मतलब वेस्ट बंगाल के थ्रू आ जाता है। तो वेस्ट बंगाल में जो बहती है गंगा का ये भाग इसको एक्चुअली बोला जाता है यहाँ पे हुगली रिवर, और ये जो बांग्लादेश में चला जाता है इसको यहाँ पे पद्मा नाम से जानते हैं, इसके बाद में इसमें जब ब्रह्मपुत्र रिवर मिल जाती है तो इसको बाद में जमुना कहा जाता है, तो वो चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन, इसके साथ ही हम आज के कुछ एक दो क्वेश्चन हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। आज का जो पहला एक क्वेश्चन है वो आपको ये बताना है भारत के अटोर्नी जनरल के बारे में, उसमें आपको दो स्टेटमेंट दिए गए। पहला स्टेटमेंट ये है कि अटोर्नी जनरल की जो नियुक्ति है वो भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट वो ये है कि अटोर्नी जनरल ऑफ इंडिया है उनको एक्चुअली
सॉरी अटोर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, उनको एक्चुअली लोकसभा में बोलने का मौका है वो दिया जाता है, और इसके साथ वो एक तरीके से राइट, वोटिंग राइट है वो भी उनको दिया जाता है। सेकंड स्टेटमेंट आप ध्यान से सुनिएगा, लोकसभा में उनको बोलने के साथ साथ मत देने का अधिकार भी है वो दिया जाता है। तो आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वन बंधु कल्याण योजना के बारे में। तो इसमें पहला स्टेटमेंट ये है कि है देश के आदिवासी एरियों की शिक्षा क्वालिटी को डेवलप करने के लिए चलाया गया है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि आदिवासी संस्कृति और जो उनकी विरासत है, कल्चर है, उसको संरक्षण या उनको संभाल के रखने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। तीसरा स्टेटमेंट है वो ये है कि आदिवासी परिवारों को जो गुणात्मक और उनके साथ ही उनके जो स्थायी रोजगार है उसको प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा ये इनिशिएटिव है वो लिया गया है। तो ये देखो इस स्कीम में जो एक्चुअली मैंने पूछा है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट ही सही है। रूरल जो आदिवासी एरिया है वहाँ डेवलप करने के लिए, एजुकेशन को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट है प्रोग्राम वो किया गया है। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन। वो जो PDF है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। एक्चुअली 2-3 दिन से कुछ इश्यू आ रहा था साइट में, इसलिए PDF वो अपलोड नहीं हो रही थी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।